नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 34 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तद्विद्धि प्रणी पतेना परी प्रसेना सेवया उप देक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वा दर्शिना। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम। द सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु लेने के लिए, अगर आप ईश्वर को ही गुरु माने, जो कि मैं करती हूँ, ईश्वर को ही गुरु मानती हूँ, चाहे वो कृष्ण के रूप में मानूँ या शिव के रूप में मानूँ। मैं बचपन से शिव को गुरु मानकर आई हूँ एंड अभी तो कृष्ण को भी मानती हूँ। सो अगर उस तरीके से आप अपने हृदय में महसूस कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई एक गुरु दीक्षा जैसे लिया जाता है, गुरु का मार्ग उनको पकड़ के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत ही सबमिसिवली, यानी कि एक शिष्य बन के बहुत ही पोलाइटनेस के साथ में। यू कैन लर्न फ्रॉम योर गुरु और वो आपको सही मार्ग दिखाते हैं क्योंकि वो खुद भी उस पाथ को चल चुके हैं। एक गुरु बनने के लिए पहले वो कभी ना कभी शिष्य भी थे, तो उस तरीके से उन्होंने भी सीखा, तो आप भी उस तरीके से सीख सकते हो। The path of self-realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. No one can be a bona fide spiritual master without following the principle of disciplic succession. जो मैंने पहले बोला, शिष्य बनने के बिना वो कभी गुरु नहीं हो सकते। गुरु बनने से पहले वो भी कभी ना कभी शिष्य थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखा है, उस पाथ पर चले हुए हैं एंड देन वो गुरु बने हैं। So the Lord is the original spiritual master and the person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. तो ईश्वर से, जैसे मैंने बोला कि आप अपने हृदय में अगर ईश्वर को महसूस कर सकते हैं तो आप ईश्वर से डायरेक्ट भी उस चीज़ को कनेक्ट महसूस करके चल सकते हैं ज़िंदगी में। और अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे एक ऐसे इंसान के थ्रू जाना है जो कि इस चीज़ को पहले कर चुका है, जो एक्सपीरियंस्ड है, तो आप ले सकते हो क्योंकि गीता में वो मैंशनड है। The Lord is the original spiritual master and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process as is the fashion of the foolish pretenders. The Bhagavatam says, Dharmam tu saksat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help one lead to the right path. तो बोला जा रहा है कि आप दिमाग में बस सोच सोच के या फिर कुछ ही समझ के चल नहीं सकते, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं कहूँगी, सही भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके हृदय में आप क्या महसूस कर रहे हो वो आप किसी को बोल के नहीं समझा सकते। लेकिन जनरली जो होता है कि आप अपने दिमाग में विचार हमेशा कर पाओ ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए किसी का हेल्प लेना गलत बात नहीं है। तो आप चाहे गुरु के मदद लेके चल सकते हो। Nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. तो क्योंकि आज के कलयुग में बहुत सारे भंड साधु संत बन के घूमते हैं जो कि गलत दिशा में लेते हैं, बट जो सही गुरु होगा ना वो एक आपको सही दिशा देगा, वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा। वो हमेशा जैसे टीचर होते हैं वैसे आपको आपको पूरा तरीके से आपको टीचर के पास में सरेंडर करना होता है, तभी आप सीख पाते हो। टीचर को अगर आप बोलने जाएंगे मुझे ये पता है, मैथ्स टीचर है उसको बोलोगे मुझे सम पता है, तो वो टीचर आपको नहीं समझा पाएगा ना। आपको पूरी तरीके से सरेंडर करना है और बिलीफ रखना है कि वो आपको सही सिखाएंगे। पर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गुरु पहले हुआ करते थे और आज के ज़माने में हैं, वो थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी जगह पर भंड लोग भी आ जाते हैं, जिस वजह से मैं इससे डर के दीक्षा प्राप्त पी के उस चीज़ में ना जाके डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट करने में थोड़ा बिलीव करती हूँ, क्योंकि
आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप सही गुरु के पास जा रहे हो। और फॉल्स प्रेस्टीज नहीं रख सकते, आप ईगो नहीं रख सकते, उनके पास आपको झुकना पड़ेगा। अगर आपने किसी को गुरु माना है, वो सही गुरु है, तो फिर वो सही तरीके से आपको सिखाएंगे। सैटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर इज अ सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे ही आपको तुष्टि मिलेगी, आप स्पिरिचुअली एडवांस करोगे। इंक्वायर्स एंड सबमिशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। अनलेस देयर इज सबमिशन एंड सर्विस इन Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. जब तक आप पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करते, अपने सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, आप सीख नहीं पाओगे। One must be able to pass the test of spiritual master. बहुत वो बीच बीच में एग्जाम्स लेंगे, आपको पास करना होगा, ताकि वो उसमें चेक करेंगे। When he sees the genuine desire of the disciple, वो देखेंगे कि सच में disciple सीखना चाह रहे, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absurd inquiries are commended. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one should also get a clear understanding from him. सिर्फ सुनने से नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा। वो जो भी बोल रहे हैं आपको इतना क्लियरली समझना होगा ताकि वो आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतार पाओ। इन सबमिशन एंड सर्विस एंड इंक्वायरीज, अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज़ बाय नेचर वेरी काइंड टुवर्ड्स अ डिसाइपल। देयरफॉर व्हेन द स्टूडेंट इज सबमिसिव एंड इज ऑलवेज रेडी टू रेंडर सर्विस, द रेसिप्रोकेशन ऑफ नॉलेज एंड इंक्वायर्स बिकम परफेक्ट। एक सही टीचर के पास में आप इसको अगर स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ में ना समझ पाओ, तो नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ में समझो। एक टीचर के पास में जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ने जाते हो, तो वो और अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, ब्लेस करते हैं। तो गुरु का जगह तो हमेशा ऊपर रहता है। अभी स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे, मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे गुरु आश्रम निकल के आए हैं, थोड़ा केयरफुली चूज कीजिएगा, और डाउट रहे तो ईश्वर को हृदय में महसूस कीजिएगा, वो ज़रूर आपको मदद करेंगे। यही तक था श्लोक नंबर 34 ऑफ भगवद्गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक 35 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।